बुक माई शो जुक बॉक्स प्रेजेंट्स, जरा खौफ से सुनो। कहाँ थी तुम? यहीं पे टीवी देख रही थी। अरे मैं अभी यहाँ आया, कोई नहीं था, तुम्हें आवाज भी दी मैंने, और टीवी ऑन था और स्क्रीन पर बस वो ब्लैक एंड व्हाइट स्टैटिक था, इसीलिए मैं बाहर लॉबी तक जाकर ढूंढ के आया हूँ। पता नहीं तुमने क्या देखा, किसे आवाज दी, मैं यहीं पर बैठी हूँ पिछले एक घंटे से। ये पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी एक बार हो चुका था मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आया। जब तीसरी बार हुआ उस दिन एक अजीब बात और थी। मैं मेन रूम की बालकनी में खड़ा फोन पे किसी से बात कर रहा था जब अचानक यार रीना मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, यहाँ लाइट चली गई है, आई थिंक पूरे इलाके की गई है, अंधेरा छा गया चारों तरफ, आई कॉल यू बैक। हाँ, ये कहकर मैंने फोन कट किया और मैं अंदर रूम में घुसा। प्रिया बेबी घबराना मत, कैंडल जलाकर ला रहा हूँ मैं। अपने फोन लाइट की रोशनी में मैंने डाइनिंग टेबल के साइड बोर्ड से दो कैंडल्स निकाली और जलाई, और एक को डाइनिंग टेबल पर छोड़कर दूसरी मैं लेकर बेडरूम में एंटर हुआ। प्रिया एज यूजुअल डिनर के बाद बेडरूम में लेट गई थी टीवी देखने, लेकिन जब बेडरूम में एंटर हुआ तो प्रिया वहां नहीं थी। प्रिया बाथरूम में हो क्या, कैंडल चाहिए? और मैं बाथरूम के डोर पर नॉक करने गया तो दरवाजा खुल गया, मैंने कैंडल आगे की, बाथरूम में कोई नहीं था। मैं प्रिया को पुकारता दूसरे बेडरूम में गया, किचन भी चेक किया, बालकनी भी, घर के बाहर स्टेयरकेस लैंडिंग भी, प्रिया कहीं नहीं थी। अंधेरे में प्रिया कहाँ जा सकती है, और मुझे बताकर तो जाती। मैंने प्रिया के मोबाइल पर कॉल लगाया, फोन बजता रहा। मैं फिर अपने बेडरूम में गया। प्रिया वेयर आर यू, देखो अगर कहीं छिप रही हो तो प्लीज बाहर आ जाओ, ये कोई मजाक नहीं है प्रिया। और जैसे ही मैं बेडरूम से बाहर निकलने लगा तो मैंने अपने पीछे कुछ रोशनी देखी, मैं पलटा और ये कैसे हो सकता है, बेडरूम का टीवी सेट ऑन था और स्क्रीन पर स्टैटिक नाइस एंड ब्राइट रूम को अपनी ब्राइट लाइट से रोशन करता हुआ। लेकिन अगर बिजली नहीं थी घर में तो ये टीवी ऑन कैसे है? मैं शॉक टीवी के स्क्रीन को घूर रहा था जब पीछे से प्रिया की आवाज आई, टीवी ऑफ कर दो और करण मुझे कैंडल नहीं चाहिए, मैं आंख बंद करके लेटी हूँ, बिजली आएगी तो बस आकर चेक कर लेना, अगर मैं सो गई तो मुझे ब्लैंकेट उड़ा देना। तुम बाहर जा रहे हो अभी? नहीं, लेकिन प्रिया मैं तुम्हें कब से पुकार रहा था, यहाँ कैंडल लेकर पहले भी आया, बाथरूम में भी झांका मैंने, तुम तो रूम में क्या पूरे घर में नहीं थी, वेयर वर यू प्रिया? ओफो करण, पहले ही मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, प्लीज इरिटेट मत करो, मैं यहीं बेड पर पड़ी हूँ, कहाँ जाऊंगी मैं, तुम्हें ना अपनी आंखें टेस्ट करवा लेनी चाहिए। मैं किसी मजाक के मूड में नहीं हूँ, दो मिनट के लिए मेरी जान अटक गई थी, तुम्हें फोन भी किया मैंने मोबाइल पर, कहाँ है तुम्हारा फोन? ये रखा है सामने, मुझे कोई कॉल नहीं आया तुम्हारा। ओके हियर, अपनी आंखों से देख लो, ये देखो लास्ट डायल नंबर किसका है, तुम्हारा है ना? तो मेरा मोबाइल भी चेक कर लो ना, चिल्लाने की जरूरत नहीं है मुझ पर। मैंने प्रिया का मोबाइल चेक किया और सच में उसने मेरे फोन से कोई कॉल रिसीव नहीं किया था। क्या हुआ, है तुम्हारा नंबर? नहीं है ना? ऐसा कैसे हो सकता है बेबी, मैं तो प्लीज डोंट बेबी मी करण, कुछ भी हो सकता है, क्या पता तुमने मेरी बजाय रीना को ही कॉल लगा दिया हो, हो सकता है कि तुमने रीना का नंबर मेरे नाम से सेव किया हो। बकवास मत करो प्रिया। क्या बकवास मैं कर रही हूँ? जस्ट शट अप। और ये कहकर मैं मुड़ा एंड अगेन मेरी नजर टीवी पर गई, ये साला ऑन कैसे हो सकता है जब मेरे घर में क्या पूरे इलाके में बिजली नहीं है, तो ये टीवी ऑन कैसे है? मैं उसे ऑफ करने गया तो एक जोर का शॉक लगा मुझे, मेरे हाथ से कैंडल गिर गई, थोड़ा वैक्स मेरे पैर पर गिर गया, ब्लडी हेल। तुमसे नहीं होगा बेबी, रहने दो, जस्ट पास मी द रिमोट, मेरे टीवी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हारा टीवी? क्या हो गया तुम्हें प्रिया, कैसे बात कर रही हो? जैसे करनी चाहिए तुमसे। लगता आज तुमने अपनी दवाई नहीं खाई। हाँ नहीं खाई, नहीं खानी है मुझे दवाई, मेरा रिमोट दो बस। मैंने टीवी के बगल से रिमोट उठाकर प्रिया की ओर फेंका, और जैसे ही प्रिया ने रिमोट हाथ में लिया और उसका एक बटन प्रेस किया, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे बदन में आग छुई हो। अब क्या हुआ? नहीं, सडनली लगा किसी ने मुझे किसी गर्म चीज से चटकाया हो ऐसे। आ आ, क्या कर रही हो प्रिया? प्रिया रिमोट का बटन दबा रही थी और मुझे जलते लोहे के चटके लग रहे थे बदन में, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं चीखने लगा, आ प्रिया प्रिया क्या कर रही हो यार, क्या कर रही हो प्रिया, स्टॉप इट। और प्रिया हंसने लगी, लेकिन उसके साथ साथ एक और आवाज सुनाई दी हंसी की।
मैं पलटा और टीवी स्क्रीन पर उस स्टैटिक ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स में एक चेहरा किसी की फेस से उभरती नजर आने लगी और वो जो भी था वो हंस रहा था। ये दूसरी आवाज टीवी से आ रही थी। मैं चकराया हुआ बस घूर रहा था जब अचानक एक हाथ सा नजर आया टीवी स्क्रीन पर और जैसे टीवी के अंदर से किसी ने हथेली स्क्रीन पर लगा दी हो ऐसा दिखा। कौन है टीवी में? प्रिया। और प्रिया तभी उठी और मुझे धक्का देकर टीवी के सामने से हटाया मुझे और उसने अपना हाथ टीवी स्क्रीन पर रख दिया, बिल्कुल उस हथेली पर अपनी हथेली। प्रिया ने मुझे एक लुक दी और कहा, लूजर, जाओ करण, जहां जाना है जाओ, जिसके पास जाना है जाओ, रीना, नेहा या कोई और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है, जस्ट गो। ये टीवी ही नहीं, अब ये घर भी मेरा है। नहीं, ये घर मेरा है, मेरे नाम पे है और मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तुम मेरी बीवी हो, समझी? और प्रिया एक बात समझ लो, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया ना, तुम कहीं की नहीं रहोगी। ऐसा तुम्हें लगता है, इसलिए तो कहा ना मैंने, लूजर, लूजर हो तुम। और अगले ही पल में प्रिया बस उस टीवी के अंदर समा गई, या जैसे टीवी ने उसे सकिन कर लिया हो। शुप! यूं ही एक सेकंड में पलक झपकते और उसी के साथ टीवी का स्क्रीन ऑफ हो गया। प्रिया गायब थी और बस घुप अंधेरा था रूम में और कुछ नहीं। प्रिया, ओह माय गॉड, प्रिया, प्रिया, वेयर आर यू? ये क्या कर रही हो तुम? और तभी लाइट आ गई और टीवी भी ऑन हो गया और कोई फिल्म जो भी चल रही होगी वो दिखने लगी। प्रिया! करण, क्या हुआ? चिल्लाए क्यों तुम? और मैंने देखा प्रिया बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। मैं फिर शॉक था। कहाँ थी तुम? डाइनिंग टेबल पर ही बैठी थी। तुम वहाँ कैंडल जलाकर आए मेरे लिए, तुमने कहा मैं जरा बाथरूम हो आऊं। क्या हुआ? हाय, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। आई एम सॉरी प्रिया, मुझे माफ कर दो प्लीज। किस लिए? क्या कह रहे हो तुम करण? और ये रो क्यों रहे हो? हुआ क्या? देखो तुम्हारे मोबाइल पे 2 मिस्ड कॉल्स हैं रीना की, जाओ उसे फोन कर लो। मैंने प्रिया को देखा, वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और मुझे मेरा मोबाइल पकड़ाकर वो मुड़कर बाहर चली गई। लेकिन मुड़ते हुए शायद आई थिंक मैंने उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल देखी। मुझे ऐसा लगा, क्या प्रिया मेरे साथ कोई मेंटल गेम खेल रही थी? और जो अभी मैंने देखा, जो मेरे साथ अभी हुआ, वो क्या था? मेरा सर घूम रहा था, मैं घर से बाहर निकलना चाहता था। मैंने प्रिया से कहा, मैं नीचे जा रहा हूँ, एक छोटा सा वॉक लेकर आता हूँ, मुझे फ्रेश एयर की जरूरत है। और प्रिया ने बस हाँ ओके कहकर जवाब दिया। मैंने घर से निकलते हुए अपने मोबाइल के साथ साथ अपना वॉलेट और अपनी कार कीज भी रख ली। बिल्डिंग में नीचे उतरकर मैंने रीना को कॉल किया। हाय। हाँ नहीं, बस अभी लाइट आई है। अच्छा सुनो, आई एम फीलिंग वेरी लो, मुझसे घर में बैठा नहीं जा रहा था तो मैं नीचे आया हूँ। मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ थोड़ी देर के लिए, आई जस्ट वांट टू सी यू। रीना ने हाँ कहा तो मैंने गाड़ी ली और रीना के यहाँ चला गया। करीब 2-2.5 घंटे बाद मैं अपने घर लौटा। मैंने चुपचाप आहिस्ता से घर का दरवाज़ा खोला और अंदर एंटर हुआ। मुझे लगा था प्रिया सो गई होगी, वो वैसे भी जल्दी सोने वालों में से थी। घर की सारी लाइट्स ऑफ थी सिवाय पैसेज वे का छोटा सा बल्ब जो सारा दिन ऑन रहता है। मैंने बस अपना वॉलेट का कीज हॉल के साइड टेबल पर रखे ही थे कि मुझे कुछ आवाज़ आई किसी के बात करने की। मेरी नज़र बेडरूम की तरफ गई। बेडरूम का दरवाज़ा आधा बंद था और रूम के अंदर से एक ब्राइट लाइट बाहर को गिर रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे टीवी के स्टैटिक की थी। मैं बिना आवाज़ किए धीमे कदमों से बेडरूम के पास पहुंचा और बस दरवाजे के बाहर रुक गया। अंदर प्रिया किसी से बात कर रही थी। नहीं, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी बनकर जीने को तैयार हूँ मैं, ये मेरा वादा है। मेरा तन बदन मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। ये सुनते ही मेरी आंखों में गुस्सा छा गया, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया और आहिस्ता से बेडरूम के अंदर झांका। What the hell? प्रिया टीवी के सामने बैठी थी, उसके दोनों हाथ टीवी स्क्रीन पर थे
टीवी स्क्रीन पर वही स्टैटिक था बस, और प्रिया टीवी से बात कर रही थी। जब से तुमने मुझे छुआ है, तुम्हारे प्यार का सहारा ही मुझे जिंदा रखे हुए। मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैंने दरवाजे को पूरा खोला और अंदर घुसा। प्रिया, ये क्या हो रहा है, क्या है ये? और जब प्रिया ने मेरी ओर देखा तो उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा, घृणा चमक रहे थे। टीवी की व्हाइट लाइट में उसकी आंखें डरावनी दिख रही थी। मैं और आगे बढ़ा तो मुझे टीवी स्क्रीन पर फिर से वही हाथ नजर आया। कौन है, किससे बात कर रही थी तुम प्रिया? जवाब दो, टेल मी, ये क्या चल रहा है? और तभी टीवी ऑफ हो गया और अंधेरा छा गया। रीना जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर मात्रे है। मिस्टर करण कुमार के मोबाइल रिकॉर्ड्स के अनुसार उनका लास्ट कॉल आपको था, और हमें ये भी पता चला है कि वो लास्ट आपसे मिले थे उसी रात को। क्या आप दोनों का अफेयर चल रहा था? देखिए, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगी तो बेहतर होगा। करण कुमार की मौत भले आत्महत्या हो, लेकिन उनकी वाइफ प्रिया कुमार भी लापता है। उनका मोबाइल घर पर ही पड़ा मिला और उस पर लास्ट कॉल उसी रात का उनके हस्बैंड का ही है, मिस्ड कॉल है। क्या आप बता सकती हैं रीना जी, आपको कोई आइडिया है सिस प्रिया कुमार कहाँ होंगी, या मिस्टर करण कुमार ने सुसाइड क्यों किया? The Haunted TV was written by Isha Sharma and Satyam Tripathi, directed by Satyam Tripathi, with performances by Charu Gupta and Karthik Sitaraman. This is the last story of Zara Khauf Se Suno. We'll be back next season with more horrifying tales exclusively on Book My Show Jukebox. This is an IVM production. For more information, go to ivmpodcasts.com.